रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं है ना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम होगा? माधव कौन सा होगा? सिलिकॉन। देखिए अगर हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एम बाई एल ई स्क्वायर टॉ इंटू एल बाई एल, राइट। ये एक कंडक्टर के केस में होता है कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल बाई एल। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो जो रेजिस्टेंस आर है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ है। टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, और रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द मटेरियल विच गिव्स लेस रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जितने भी यहाँ पर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, मर्करी। ये तीनों के तीनों जो है हम लोग देख रहे हैं कि कंडक्टर्स हैं, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पर सिलिकॉन जो है एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर में जस्ट रिवर्स होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो राइट। तो रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन है नेम द मटेरियल विच गिव्स लेस रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज सिलिकॉन, दैट इज द राइट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का वह कैसा होगा? ऑप्शन नंबर वन जो है सर्कुलर है, पैराबोलिक है, लीनियर है और स्पाइरल है, राइट। तो यहां पर देखिए आपने लॉरेंज लॉ पढ़ा है लॉरेंज लॉ, है ना। तो लॉरेंज लॉ जो है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी होता है, राइट। जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है देन दैट टाइम जो फोर्स है एफ है ना वह कितने के बराबर होता है? तो q इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होता है, राइट। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन जो है इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन जो है इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो पाथ कैसा होगा? तो यहां पर देखिए वी क्रॉस बी इसके है ना, जो इलेक्ट्रोड इंटर कर रहा है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि बी क्रॉस बी का ठीक है एफ जो है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि फोर्स जो लगेगा वो बी क्रॉस बी के परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसका आंसर जो है पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ऐसे इसलिए हो रहा है, दिस इज बिकॉज द फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किस पर? इलेक्ट्रॉन में, विल बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन और जो फोर्स का डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है इस केस में ठीक है कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में अगर उसका शेप हम लोग बनाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? तो सर्कुलर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 16, इफ ई ए विद द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन
एंड ई दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस देन. यहां पर एक रिलेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, राइट. तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर हम लोग बात करते हैं एक्सियल लाइन का तो वह क्या होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, ये मालूम है आप लोगों को. तो यहां पर देखिए अगर हम लोग एक डाइपोल कंसिडर करते थे, राइट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है मालूम है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अगर सपोज करिए ए बी जो है वह हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक एंड पे चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू, दूसरे एंड पे क्या होगा, प्लस क्यू होगा, राइट. तो ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को, ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रेंथ जो है इस तरह से बढ़ाते हैं तो ये होता है हम लोगों का एक्सियल. और अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, मान लिया जाए यहां पर एक पॉइंट पी है, ये जो ए बी है इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ कितना लेते हैं, इसका मिड पॉइंट सपोज करिए ओ है, तो ओ से आर डिस्टेंस पे हम लोग क्या लेते हैं, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लेते हैं जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालते हैं, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ईए का वैल्यू जो है वह कितने के बराबर होता है, तो यहां पे देखिए 1/4πε0 into 2π/r³ होता है. इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, तो यहां पर सिंपल हम लोग देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप देख रहे हैं उसके मिड पॉइंट पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन करते हैं, क्या ड्रॉन करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, वो उसका क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन होगा. सर तो यहां पर देखिए जो मिड पॉइंट है इससे आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितना होगा, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू p/r³ होता है, राइट. अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे देखिए इफ ई ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, और ई जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है यानी कि आर का वैल्यू जो है दोनों का सेम है. तो यहां पर देखिए 1/4πε0 इंटू p/r³ ये क्या है, ई है. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ए इज इक्वल टू टू ई, ठीक है. और ये ऑप्शन हम लोगों को कहां पे मिल रहा है, बी में है, ठीक है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू टू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वह कितने के बराबर होता है, तो टू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे होता है, ये हमने बताया था जैसे एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके बाद में जो है ये रिलेशन जो है ये भी हमने किया था. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये है, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, नन ऑफ दिस, क्या होगा, अट्रैक्शन. हम लोग एक एक्सप्रेशन पढ़े थे फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, राइट. अगर इसके थ्रू आई वन पास कर रहा है, इसके थ्रू आई टू पास कर रहा है, यहां पर एक पॉइंट जो है हम लोग पी कंसिडर करते हैं, यहां पर क्यू कंसिडर करते हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, आर. तो P पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेते थे किसकी वजह से, ड्यू टू आई टू, तो यहां पर हम लोग लिखते थे क्या, बी टू, यहां पर क्या लिखते थे, बी वन. तो यहां पर जब डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट का सेम होता है देन दैट टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर से और इन करंट का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, सेम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और करंट का डायरेक्शन जो है अगर अपोजिट होगा तो वहां पर क्या होता है, रिपल्सन होता है. तो यहां पर जो है सिंपल हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम बोल रहा है कि टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन,
तो यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं अट्रैक्ट ईच अदर दिया हुआ है, तो अट्रैक्ट ईच अदर होगा। अच्छा बताइए यहाँ पर फोर्स जो है इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा कितने के बराबर? 2I1 I2 by 2R। ठीक से बताइए। यहाँ पे जो है ठीक है हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है ठीक है इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4π इंटू 2I1 I2 बाय। ठीक है तो यहाँ पे देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो कितने के बराबर होता है म्यू नॉट बाय 4π इंटू 2I1 I2 बाय। ठीक है इतना ना होता है जी। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं अट्रैक्ट ईच अदर है इसका आंसर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, जो यूनिट है कैपेसिटी का क्या होता है? कैपेसिटी को हम लोग और दूसरे क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ठीक है तो या तो आप कैपेसिटेंस बोलिए ठीक है या फिर कैपेसिटी बोलिए। कैपेसिटी बोलिए। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ ए बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ पर यूनिट पूछा है तो द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर जो है ठीक है वो क्या होता है? यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया है वोल्ट किसका है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो है वोल्ट होता है। न्यूटन किसका है? फोर्स का है। एम्पियर किसका है? इलेक्ट्रिक करंट का है। और फैराड किसका है? कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर का है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है मालूम है? अगर हम लोग इसका स्टेटमेंट देखें एम्पियर सर्किटल लॉ का तो ये क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड सर्किट। यानी कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। इसमें जो उसका लॉ है उसी को पूछा है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक है राइट। अच्छा बताइए नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है? ए चार्ज इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट द वेलोसिटी वी इज परपेंडिकुलर टू बी देन द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज। ये क्या होगा? जीरो 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 परपेंडिकुलर 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे देखिए ए चार्ज क्यू इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ए चार्ज जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम को मैंने कहा था आपको याद रखने के लिए ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वो जेड एक्सिस। जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है अगर इसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं? वाई एक्सिस में। सपोज करिए एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये जो वेलोसिटी है इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट जिसके साथ एंगल थीटा होगा वो क्या होगा? वी कॉस थीटा और ये होता है वी साइन थीटा और ये होता है इसका फोर्स का डायरेक्शन। तो लॉरेंट्ज लॉ जो है इसमें हम लोग देखे हैं कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो सिंपल एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या बोलेंगे जो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है. ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम तो कांस्टेंट क्यू होगा जिसका वैल्यू 1 होता है. तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होगा. क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर चार्ज जो है मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट वेलोसिटी वी इज परपेंडिकुलर टू बी. यानी कि ये जो आप थीटा देख रहे हैं ना यहाँ पर ये वाला का वैल्यू जो है दिया हुआ 90 डिग्री यानी कि ये इधर मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यू वी बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक है दैट इज द करेक्ट. समझे, तो ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये सबको जो है छोड़ना नहीं है. इजी क्वेश्चन बना मिलेगा. अब देखिए नेक्स्ट द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स है ना. जो लॉरेंज फोर्स अभी हमने पढ़ा है ठीक है, इसमें हमने आपको बताया कि F इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू बी क्रॉस बी. यानी कि अगर सपोज करिए ठीक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाल रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो वहां पर जो वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते थे तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी होता है. यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात होती है ना, तो यहाँ पर लॉरेंज लॉ ये वाला है. ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा तो E जो है वहां पर एड हो जाएगा. तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस बी क्रॉस बी यानी कि दैट इज सी. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है. What is the value of angle of D at the magnetic equator? जो magnetic equator है वहां पर जो angle of D है वो कितना होगा? What is the value of angle of D at the magnetic equator? तो ध्यान रखेंगे at the magnetic equator BD is equal to zero. ठीक है, at the magnetic equator अगर हम लोग देखें तो बीबी का वैल्यू जो है वह क्या होता है जीरो. बीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, जीरो. ठीक है, तो अगर हम लोग एंगल ऑफ डी की बात करते हैं तो एंगल ऑफ डी जो है अगर टेन फाइव है ना, अगर हम लोग टेन फाइव इज इक्वल टू बीबी बट्टा हम लोग बी एच लिखते हैं, बीबी का वैल्यू जो है आप देख रहे हो वो क्या है जीरो है, तो यहां पर टेन फाइव इज इक्वल टू जो है जीरो हो जाएगा. तो टेन फाइव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फाइव का वैल्यू कितना हो जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो होता है. टेन 45 डिग्री का तो वन होता है. यस सर. नहीं तो सब कुछ बनाने के बाद ऐसा गलती कर लोगे तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर पे बीबी का वैल्यू जीरो तो टेन फाइव इज इक्वल टू जीरो होगा. दैट मीन्स फाइव इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. तो यहां पर ए में आप देख रहे हैं कि जीरो डिग्री है तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर है. तो देखिए यहां पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द एंगल ऑफ डी at a place where the horizontal component of Earth's magnetic field is equal to vertical component. What is the angle of D? हम लोगों को angle of D निकालना है जब BB is equal to BH होगा. ठीक है, यानी question में दिया हुआ है कि ये जो vertical component है horizontal component ये दोनों आपस में बराबर है. ठीक है, BB is equal to BH तो angle of D का value जो है हम लोगों को निकालना है. तो यहां पर देखिए टेन डेल्टा इज इक्वल टू होता है बीबी बट्टा बीएच. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीबी और बीएच जो है वो दोनों इक्वल है तो बीएच को बीबी लिख दोगे तो बीबी बाई बीबी इज इक्वल टू क्या हो गया वन. यानी कि यहां पे देखो टेन डेल्टा का वैल्यू जो है वन है.
अगर टेन डेल्टा का वैल्यू 1 है तो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है, ऑप्शन की तरफ आ जाइए नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है 45 डिग्री है ना, ये आंसर है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या है? द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, है ना। बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। तो अगर हम लोग बार मैग्नेट की बात करें, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पूछा है ना, ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला क्या है? साउथ पोल है। तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, है ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो नॉर्थ से साउथ होगा या साउथ से नॉर्थ होगा? साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पूछा। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बात करता तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, वो तो तुम्हारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा जी। ये होगा जब कभी भी निकलता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में टर्मिनेट करेगा। अगर इसी की जगह में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करता है कि नहीं? याद है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पूछा है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, है ना। तो बार मैग्नेट में अगर हम लोग देखें तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है, वो कहां से कहां होगा? तो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्या हो सर? अगले दिन बताएं। हाँ, क्या होगा बताओ? पक्का कंफर्म सर? ना तो बताइएगा। बताओ 2,00,000 से 2,50,000 ये तो हम तो बोल रहे हैं कि नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में टर्मिनेट करता है। तो तुम्हारा यहाँ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पूछा है, इनसाइड ना पूछा सर? तो इनसाइड ना, इनसाइड ना होगा, अंदर का ना लेना है सर। साउथ से ना होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा किसका है? इनसाइड ए बार मैग्नेट, इसीलिए क्या होगा? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अगर बाहर का पूछता ना तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट कैसा होगा, तो इसका आंसर होगा आर्क फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। यही बात में बाहर का होगा तो हाँ, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड ए बार मैग्नेट पूछा है, ठीक है, इसीलिए उसका आंसर जो है साउथ से नॉर्थ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर, ठीक है, पहला है आयरन निकेल एंड कोबाल्ट, दूसरा है ऑप्शन है एल्यूमिनियम सिल्वर एंड गोल्ड, और तीसरा जो है थ्री क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, और तीसरा है नन, और सॉरी चौथा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या होता है? देखिए मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो है वो तीन होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। इनफैक्ट ये तीनों क्वांटिटी जो है वो डिस्क्राइब करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ को। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ है, ठीक है, इसमें जो देखिए तीसरा या सी ऑप्शन जो है उसमें क्या है? थ्री क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, जो तीन क्वांटिटी है, ठीक है, वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको?
मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दी अर्थ, और वो तीन क्वांटिटी कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ए 50 mH मिली हेनरी क्वाइल कैरीज ए करेंट ऑफ 4 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इन जूल इज 50 मिली हेनरी। ये क्या दिया हुआ है? ये सेल्फ इंडक्टेंस L का वैल्यू है, राइट? हेनरी किसका है? सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए एल का वैल्यू जो है ये दिया गया है कितना? 50 मिली हेनरी, यानी किसको 50 × 10⁻³ लिख सकते हैं। यस सर। कैरी से करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट आई का वैल्यू जो है कितना दिया गया है? 4 एम्पियर। एनर्जी स्टोर निकालना है, फॉर्मूला मालूम है? एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है जी? 1/2 LI² गुड। एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ LI² ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो एनर्जी E इज इक्वल टू कितना होगा? हाफ इंटू एल का वैल्यू कितना है? तो 50 × 10⁻³ इंटू आई है 4 × 4 ठीक है। तो दो दूनी 4, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 × 8 = 40 × 10⁻³ ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1000 से भाग देंगे ना, तो 0.4 है ऑप्शन में। तो 0.4 जूल जो है, ठीक है, यहाँ पर लोग देखें ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यही हम लोगों का राइट आंसर होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों नहीं लिए सर यहाँ पे? सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए दो क्वाइल का होना जरूरी है, सिंगल क्वाइल में तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय। यहाँ पे देखिए पोलैरिटी जो है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ का कौन देता है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, बायो सेवार्ट्स लॉ जो है वो क्या देता है? मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड देता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो क्या देता है? एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है इज फाउंड बाय लेंजेस लॉ, ठीक है। लेंजेस लॉ क्या है? तो इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजेस द काउज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो जिस काउज की वजह से वो प्रोड्यूस्ड होगा उस काउज को हमेशा अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, अगर हम लोग देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों डेवलप होता है? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, डीफाई बाय डीटी की वजह से। तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ठीक है, ये कहां से आया? अपोज करता है उसकी वजह से, यानी कि वही जो है आपका पोलैरिटी है, ठीक है। तो जो पोलैरिटी है ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय क्या होगा? लेंजेस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों का काइनेटिक एनर्जी बोलता है क्या है? इक्वल है। कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स व्हेन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। अगर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो रेडियाई है, यानी कि रेडियस का प्लूरल रेडियाई हम लोग बोलते हैं, तो रेडियाई ऑफ देयर पाथ व्हेन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2KM, है ना, R इज इक्वल टू अंडर रूट 2KM बट्टा QB, ठीक है। स्मॉल R इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट 2KM बट्टा QB या फिर BQ हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी K जो है, ठीक है, वो तो उसको बोल दिया इक्वल है सबका, ठीक है। अब यहां पर V
वेरिएबल जो है ठीक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी आपका कॉन्स्टेंट रह जाएगा, तो चेंज हो रहा है एम और क्यू है ना, तो आर जो है ठीक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम बटा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन चीजें ठीक है, पहला है प्रोटोन है ना, इसका मास जो है वो हम लोग लेते हैं यूनिट मास और चार्ज भी यूनिट लेते हैं राइट, यूनिट मास यूनिट चार्ज। अगर हम लोग ड्यूट्रॉन की बात करें तो इसका जो मास होता है ठीक है वो टू यूनिट्स लिया जाता है, यानी कि प्रोटॉन के मास से दोगुना होगा लेकिन चार्ज से होगा राइट। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अल्फा पार्टिकल पर, तो इसका मास जो है वो फोर टाइम्स होता है और चार्ज जो है वो टू टाइम्स होता है। तो अगर यहां पर देखिए ठीक है आपको पूछा है सबसे पहले जो है प्रोटोन है तो यहां पर क्या लिखेंगे आरपी ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है न्यूट्रॉन है तो यहां पर क्या लिखेंगे आरपी ठीक है, और लास्ट में क्या है अल्फा ठीक है तो यहां पर आर अल्फा लिखेंगे। तो यहां पर देखिए अंडर रूट एम बट्टा क्यू ये किसका लिखेंगे प्रोटोन का, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट एम बट्टा क्यू ये किसका लिखेंगे न्यूट्रॉन का, फिर अंडर रूट एम बट्टा क्यू किसका लिखेंगे अल्फा का। अब देखिए प्रोटॉन का तो यूनिट यूनिट लिया ठीक है तो रूट वन बट्टा वन हो गया ये प्रोटॉन का एच टू, यहाँ पर इसका जो मास होता है वो कितना होता है टू टाइम्स ठीक है या टू यूनिट, तो इसको टू लेंगे ये वन ये हो जाएगा न्यूट्रॉन का। फिर हम लोग देखें इसका मास जो होता है वो कितना होता है फोर टाइम्स और ये चार्ज टू टाइम्स ये होता है अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर वन हो जाएगा यस सर प्रोटोन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा और यहाँ पर फोर का रूट करेंगे तो टू ठीक है टू बाई टू कितना वन, तो ऑप्शन जो है ठीक है वन इज टू रूट टू इज टू वन ऐसा कहीं है बी में ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हम लोग का बी वन इज टू रूट टू इज टू वन। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए करंट ऑफ 10 एम्पीयर इज पासिंग थ्रू ए लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द लूप ईच, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है अगर एक सर्कुलर क्वाइल की बात करेंगे तो कितना होता है म्यू नॉट बाई फोर बाई टू बाई एन आई बटा ठीक है, यहाँ पर देखिए म्यू नॉट बाई फोर बाई इंटू टू बाई एन आई बटा अगर एक सिंगल सर्कल है एन का वैल्यू वन है तो टू बाई आई बटा हो जाएगा, यहाँ पे हाफ सर्कल है टू से डिवाइड करें अब ये टू टू जो है b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू पाई इंटू i का वैल्यू कितना r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया ये 10 दूनी 20 हो गया ठीक है 1 है तो 0.5 हो गया ठीक है और इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ऊपर गया तो प्लस 2 तो ये 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया yes, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 लिख सकते हैं राइट yes, यहाँ पर जो है पाई छूट रहा है पाई 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 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 पाई और 10 टू द पावर माइनस 6 को क्या बोलते हैं माइक्रो माइक्रो तो 5 पाई माइक्रो टेस्ला है कहीं पर 5 पाई माइक्रो टेस्ला जो है ठीक है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पे देखिए ए करेंट 2 एम्पीयर फ्लोस इन ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स एज शोन इन फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB जो है इसका वैल्यू जो है निकालना है
यहाँ पे देखो इस डायग्राम में जो है 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस तरह से आ रहा है, इसका ब्रांचिंग हो रहा है ना, इधर गया और इधर गया, ठीक है। तो 2 एम्पियर जो है वो कैसे बन जाएगा, इधर 1 एम्पियर और इधर 1, राइट। तो अब जो है अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर हम लोग निकालेंगे किसके किसके बीच का, तो वीबी माइनस वीए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर हम लोग वीडी माइनस वीए की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वीडी माइनस वीए, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई है और आर दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए वीडी माइनस वीए इज इक्वल टू, यहाँ पर करंट कितना है 1 है और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2, वीडी माइनस वीए का वैल्यू कितना हो गया 2। यहाँ पे अगर हम लोग नीचे की अगर बात करें तो जो वीडी माइनस आपका क्या हो जा रहा है वीबी, तो वीडी माइनस वीबी का वैल्यू जो है वो कितना होगा, करंट कितना है 1, रेजिस्टेंस कितना 3, तो कितना हो गया 3, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ऐड करें है ना, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वीडी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2, वीडी माइनस वीबी इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा, या हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा, इधर जो है ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का माइनस वी ए, ठीक है, प्लस वी बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3, ठीक है। तो माइनस वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू कितना है माइनस, निकालना किसका है वी ए माइनस वी बी का निकालना है, तो यहाँ पर वी ए के लिए माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा नहीं, इज इक्वल टू माइनस 1, देख सकते हैं सर, ये माइनस माइनस को काट दीजिए, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना होगा 1 वोल्ट है कहीं पर, प्लस 1 वोल्ट, बी में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, ये हो जाएगा इन लोगों का। सर जैसे इसको पैरामीटर सीरीज से निकालते हैं उसे नहीं निकलेगा, यहाँ नहीं निकलेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से काम है, पोटेंशियल डिफरेंस का बात है, समझ में आया कि नहीं, इतना अच्छा सीरीज है, इस नीचे करोगे यहाँ पर देखो वहीं पे लगा, यहाँ पर क्या है कि जो 2 एम्पियर जो है करंट आ रहा है, ठीक है, उसका ब्रांचिंग हो रहा है, ऊपर जा रहा है 1 एम्पियर, नीचे आ रहा है 1 एम्पियर, राइट। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल जो है एट डी, तो वीडी बोलेंगे, यहाँ पर वीए बोलेंगे, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वीडी माइनस वी, तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो करंट हो गया 1 और रेजिस्टेंस हो गया 2, ठीक है। तो 1 × 2 कितना 2, इधर भी करंट आया कितना 1, तो VD माइनस VB इज इक्वल टू 1 × 3, तो कितना 3। तो अब यहाँ पर इन दोनों को जो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो VD माइनस VA इज इक्वल टू 2 और VD माइनस VB इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल आउट होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस VA प्लस VB इज इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस VA प्लस VB इज इक्वल टू -1, माइनस कॉमन ले लिया, VA माइनस VB इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 1। अब यहां पे देखिए Why is divisional bridge more accurate than other methods of measuring? ठीक है, तो इट इज ए नल मेथड, नल मेथड क्या होती है देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है मालूम है, इफ टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सच टू कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द नेटवर्क इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बी और डी के क्रॉस क्या जोड़ते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग जोड़ देते हैं, और ए और सी के क्रॉस क्या जोड़ते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं, करेंट इधर से जा रहे हैं, ठीक है।
इसका जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं पी, इसका क्यू, ये आर और ये होता है एस, ठीक है। तो बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग कहते हैं कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस होगा कब, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो है वो पास नहीं करेगा, यानी कि आईजी का वैल्यू जीरो, ठीक है। तो आईजी का वैल्यू जीरो होगा, कहने का मतलब जो है पोटेंशियल बी और पोटेंशियल डी, ठीक है, एट डी, पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट डी जो है वो क्या होगा, सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तभी आईजी का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। यही आपका क्या है, नल मेथड है, उसी के हिसाब से हम लोग जो है जब ये आईजी जीरो होता है तब हमारा एक्सप्रेशन में पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई आर वाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाई इज द व्हीट स्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस है, तो इट इज ए नल, ठीक है, और जो भी नल मेथड होगा, ठीक है, वो आपका एक्यूरेट होगा, क्योंकि एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है या करेंट का वैल्यू जो है वो तो जीरो मिलता है, या अलग अलग केसेस में अलग हम लोग देखेंगे, है ना, तो अलग अलग होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग करेंट को देते हैं और आईजी का वैल्यू, ठीक है, एक ही ऐसा पॉइंट होता है, जैसे मीटर ब्रिज के केस में भी अगर हम लोग देखते हैं तो एक ही इकलौता पॉइंट होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसी पॉइंट को ढूंढना आ रहा है, ठीक है। मीटर ब्रिज में जो है 100 सेंटीमीटर पे आपका एक वायर पूरा अरेंजमेंट हम लोग करेंगे ब्रशेस का, उसके बाद जो है जॉकी को उस वायर में रख रख के जो है, ठीक है, हम लोग कंडीशन देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऐसा पॉइंट है ना जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो जिस पॉइंट पे नहीं किया वो आपका नल पॉइंट था, ठीक है, डिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक ही पॉइंट को ही ढूंढना, उसको हम लोग नल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो नल मेथड है, ठीक है, उसी पे बेस्ड होता है, एक्यूरेट भी होता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं कि थ्री इक्वल कैपेसिटर्स ईच विथ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब यहां पे देखिए इस डायग्राम को जो है अगर गौर से, यहां पर ये आपका ए है और ये बी, ठीक है, आप देख रहे हो ये वाला जो है यहां पर मिल रहा है, ठीक है, तो इसको अगर आप स्मॉल ए मानो तो ये वाला भी स्मॉल ए होगा, सर, ठीक है, इसको आप स्मॉल बी मानिए और ये वाला भी क्या हो जाएगा स्मॉल बी, ठीक है। अब देखिए ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ये आपका कैपिटल ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटेंस जो है इस तरह से हमारा ये वाला हो गया आपका कैपिटल, इसको स्मॉल ए इसको स्मॉल बी ले, ए और बी के बीच में क्या है सी है, सी रखा, यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में क्या है सी है, एक कैपेसिटर और डाल दिए उसका कैपेसिटर, यहाँ पर भी ए और बी के बीच में सी, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों कैसा है, तीनों कैसा है पैरेलल, अब पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू क्या होता है C1 + C2 + C3, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 + R1, ठीक है, और पैरेलल में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, कैपेसिटेंस के केस में जो है सीरीज में 1/C इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन होगा, और पैरेलल में होगा CP इज इक्वल टू C1 + C2 + C3। तो अब यहाँ पे देखिए तीनों का तो सेम है, तो C + C + C कितना हो जाएगा 3C3, ऑप्शन है यस सर बी करेक्ट। बताइएगा वीडियो बनना है देख लीजिएगा आराम से, हाँ सर नहीं सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इन द बेसिक CL क्रिस्टल स्ट्रक्चर CS+ and CL- आयंस आर अरेंज्ड इन BCC कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन द फिगर, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय 8 CS प्लस आयन एंड आयन ऑन द CL माइनस आई एस, ये क्या हो गया, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक से लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिख जाएंगे, वही है वही है। अब यहां पे देखिए क्या है कि यहां पर क्या है सीएल माइनस है, ठीक है, ये सीएस प्लस है, तो यहां पर देखो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको क्या करेगा अपनी तरफ
अट्रैक्ट करेगा? यस सर। अगर ये सी एस पी है तो ये भी क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, ये जितना उतना ये भी ना, दोनों का सेम फोर्स हो जाएगा, अपोजिट ही डायरेक्शन। यहां पर भी हम लोग देखेंगे सेम फोर्स हो जाएगा, यहां पर भी हम लोग देखेंगे सेम फोर्स हो जाएगा, राइट। तो नेट रिजल्ट कितना हो जाएगा, सब तरह अगर हम लोग देखेंगे तो सेंटर पे है ना, ठीक है, इक्वल फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें इधर फोर्स एफ लग रहा है तो इधर भी एफ लग रहा है, इधर एफ लगेगा तो इधर भी एफ लगेगा, ठीक है। तो जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हम लोगों का जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके बीच में, ठीक है, जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री अदरवाइज होगा, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वेर ए मैग्नेट इज मूव्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स ए क्लोज कॉइल, द नियरर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट्स एज। दो दिन पहले पढ़े हो, सर वही जा रहा है। यहाँ पे देखिए, व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड विथ ए नॉर्थ पोल टुवर्ड्स ए क्लोज कॉइल, देखिए हमने आपको बताया था, ठीक है, इस तरह से क्लोज कॉइल है, ठीक है। इस क्लोज कॉइल को किसके साथ जोड़ते हैं जी, गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर सिंपल इस तरह से हम लोग नॉर्थ पोल को लेके आते हैं, ठीक है, तो ये जो सर्कुलर कॉइल है ये भी किसके जैसा काम करेगा, नॉर्थ पोल के जैसा काम करेगा, टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट। और इसका जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट का वो कैसा होगा, अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ पोल को अगर सर्कुलर कॉइल की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट डेवलप होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और